ये है बजाज पल्सर 150 cc 150, ठीक है। और ये BS4 मॉडल बाइक है। इस बाइक को स्टार्ट जब हम करते हैं और जब रास्ते में चलते हैं और गियर में बाइक रहती है, क्लच दबा के जब हम रेस को छोड़ते हैं तो इंजन बंद हो जाती है, बाइक बंद हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह की जो कंप्लेन आती है दोस्तों, यानी कि रेस काम नहीं कर रहा है, इसका RPM काम नहीं कर रहा है। तो फिर से मैं आपको बता दूँ कि जब मैं रेस देता हूँ चलते हुए बाइक, जब रेस हम देते हैं और हमें क्लच दबाना होता है, इस क्लच को अगर हम दबाएंगे और इस रेस को अगर हम छोड़ देंगे तो हमारी गाड़ी बंद हो जाती है। तो इसकी जो कंप्लेन आती है दोस्तों, ये RPM की कंप्लेन आती है। अब RPM कंप्लेन कहाँ से आई, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये कंप्लेन दोस्तों, इस तरह की अगर समस्या आती है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो RPM है स्क्रू, उसे टाइट करके देखना होता है। जैसे ये RPM स्क्रू है, इस स्क्रू को अगर हम इधर टाइट करेंगे तो RPM स्पीड बढ़ेगी इंजन की। अगर ये टाइट करने पर भी स्पीड नहीं बढ़ता है तो फिर आपके गाड़ी का दूसरा कोई कंप्लेन आ चुका है। दोस्तों ऐसा है कि अगर आपकी गाड़ी पहले से सही चल रही है और अचानक इस तरह की कंप्लेन आ जाती है, रेस छोड़ने पर गाड़ी बंद हो रही है, तो फिर पता है क्या प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों, आपका टैपेट मतलब टाइट हो गया, आपकी कंप्रेसर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, कंप्रेसर प्रॉब्लम आ गई आपके बाइक में। तो आप किस तरीके से चेक करेंगे कि आपके बाइक में कंप्रेसर प्रॉब्लम है या नहीं है, वो चीज़ें मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो पहला तरीका कंप्रेसर चेक करने का तरीका यही है कि अगर आपके गाड़ी में किक है तो किक से ही पता कर सकते हैं। जब हम इस किक को ऐसे दबाएंगे तो ये किक फ्री चली जाती है, ये किक बिल्कुल फ्री चला जाता है और बीच में अटकता नहीं है। तो ये दोस्तों कंप्रेसर की कंप्लेन होती है। ये देखिए, ये पैर में हमें बिल्कुल भी ताकत नहीं लग रहा है और ये जो किक है वो बिल्कुल आसानी के साथ नीचे चली जा रही है। तो ये होती है कंप्रेसर की प्रॉब्लम। अब देखिए, अगर आपकी बाइक 100 cc या 125 cc है और आपके गाड़ी का क्लच दबाने पर किक स्लिप होता है तो उस बाइक में क्या होता है कि स्लिप कर जाता है। लेकिन हम इसका क्लच दबा के भी अगर चेक करेंगे तो किक उसी तरीके से काम करता है, क्योंकि इन सब बाइक का जो होता है सिस्टम, वो गियर में भी हम बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारे सिस्टम होती है इस बाइक में। तो ये किक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो इसका जो है दोस्तों ये वाल लीकेज कर रहा है। वाल लीकेज करने का वाल जो लीकेज होता है दोस्तों, दो कारण से लीकेज होता है। एक तो वाल में कंप्लेन आ जाना, और दूसरा ये कि ये जो टैपिट होता है यहाँ पे, जो रोकर होता है वो टाइट हो जाना, वाल को टाइट कर देने की वजह से वो कंप्रेसर लीक हो जाती है और कंप्रेसर काम नहीं करने लगता, वाल काम नहीं करने लगता। चलो इसे खोलकर मैं आपको दिखाता हूँ कि इन दोनों टैपिट में से कौन सा टैपिट टाइट है। अगर दोनों में से कोई सा भी अगर टाइट रहेगी तो कंप्रेसर की क्लैम आएगी, कंप्रेसर प्रॉब्लम आएगी, और जब तक इसे लूज नहीं करेंगे तो ये समस्या आपकी दूर नहीं होगी। मैं बाइक स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ, फिर बाद में कहेंगे आपने पहले दिखाया नहीं। चलो स्टार्ट करके दिखाता हूँ, इसका जो चाल है RPM है वो रुकता भी नहीं है। चलो मैं अपने बाइक को स्टार्ट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ इसके चाल के बारे में। हालांकि ये बाइक अभी स्टार्ट भी हो रही है, अगर इस तरह की इतना ज़्यादा कंप्रेसर अगर लूज हो जाती है तो और भी जो बाइक होती है जैसे 100 cc 110 cc 125 cc, वो सारी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ये इसका कनेक्शन अलग होता है, इसीलिए ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी की आराम जरे पीछू हल्का ये देखिए, मैंने इससे पहले यहाँ से RPM बढ़ाया है कार्बोरेटर से, स्क्रू को टाइट भी किया है, फिर भी ये रेस रुकता नहीं है। चलो मैं इसे छोड़कर देखता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये बाइक बंद हो गई। अब देखिए दोस्तों, मैं उधर कुछ भी नहीं करूँगा और इसका टैपिट खोल के आपको दिखाता हूँ। ये काम करने के बाद भी आपको दिखाऊँगा कि रेस रुकता नहीं है, रुकता है या नहीं है। मैं उधर RPM जो है उधर कुछ भी नहीं करूँगा उधर। इस तरह की अगर कंप्लेन आएगी तो इससे पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा लेगी। अब देखिए, टैपिट को सेटिंग करने के लिए हमें पहले पिस्टन को टॉप पे लाना होगा, टाइमिंग हमें पहले मिलाना होगा। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, टाइमिंग जो मिलाते हैं दोस्तों, ये किक के जरिए से मिलाते हैं। तो हम किक एक अंदाज़ा हो गया है जो हम किक के जरिए से हम सेटिंग कर लेते हैं। चलो मैं ये कर लेता हूँ। तो एक बार पहले हम इस किक को हम इस तरीके से दबा देंगे और फिर दूसरी मरतबा क्या करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे हम इसे इतना टाइट करेंगे। तो हमारे हिसाब से ये अभी टाइमिंग पे है। चलो मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए, इसका जो इंटेक वाल है ये टाइट है, इन्हीं की वजह से कंप्रेसर प्रॉब्लम आ रही है।
अगर हम इसे चेक करेंगे तो ये लूज़ है, ये वाला लूज़ है, एग्जॉस्ट वाला ज़्यादातर टाइट नहीं होता, जब भी होता है तो यही टाइट होता है, क्योंकि इधर से जो पेट्रोल इन होती है अंदर जो जाती है इसके वजह से, इस पेट्रोल की वजह से इसका वाल ज़्यादा घिसता है, ज़्यादा खा जाता है, उन्हीं की वजह से ये वाल क्या होता है धीरे धीरे ऊपर की ओर आती है और ये टैपिट को टाइट कर देता है, वाल को टाइट कर देता है और कंप्रेसर लीक होने लगती है। तो इसीलिए दोस्तों मैं इससे पहले भी मैंने बताया था कि ये वाला जो वाल होता है थोड़ा हमें ज़्यादा लूज रखना होता है, और इसे अगर कम भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ये वाल हमेशा ये नीचे की ओर जाएगी और ये वाल हमेशा ऊपर की ओर आएगी, इस तरह की होती है सिस्टम। तो इसके लिए आपको एक 8-9 नंबर की पाने की ज़रूरत पड़ेगी और एक 9 प्लास की ज़रूरत पड़ेगी। चलो ये भी कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये हमारे पास ये 9 नंबर का पाना है, 8-9 का पाना होता है, ये 9 नंबर का इसमें लगता है। इसे पहले हम इस नट को लूज करेंगे, ये बाहर नीचे वाला नट हमने लूज कर दिया, ये देखिए ये मैंने लूज कर दिया, और इसे हम नोक प्लास से लूज करेंगे क्योंकि ये अभी टाइट है। ले तो ये देखिए ये अब लूज हो चुका है और ये टैपिट इसको टाइट हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि ये जो नट होता है इस नट को हमें लूज करना होता है, और बाकी ये ऊपर में जो होता है ये बोल्ट इसे हमें लूज करना होता है। इसे लूज करने के बाद हम इसे लूज करेंगे, फिर हम इस नट को टाइट कर देंगे, ये एडजस्टिंग होता है, हमें इसे लूज करके इस नट को टाइट कर देना है, और फिर जब टाइट कर देंगे तो ये आपस में जाम हो जाएगी, पकड़ बन जाएगी, और फिर चलते हुए ये लूज नहीं होगी। ये बहुत हिसाब से हमें टाइट करना होता है, ज़्यादा भी टाइट नहीं करना पड़ता है और कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा करेंगे तो स्लिप हो जाएगी, कम होगा तो फिर ये चलते हुए खुल जाती है। तो मैंने इसके टैपेट को लूज़ किया, अब मैं अगर कंप्रेसर चेक करना चाहूँगा तो ये जो किक है ये देखिए ये बीच में ये अटक रही है, अब ये टाइट लगने लगा। और चलो मैं बाइक को अब स्टार्ट करता हूँ, हमने उधर से आरपीएम भी नहीं छेड़ा है, पहले ही छेड़ा था जो अभी रेस नहीं रुक रही थी, और अब मैं बिना छेड़े ही बिना टाइट किए ही मैं इस किक को दबाता हूँ और बाइक को स्टार्ट करता हूँ। रेस लगता है काम रेस है। तो इस तरीके से इसका चाल अब रुक चुका है, इसका आरपीएम भी यहाँ देख सकते हैं कि आरपीएम भी काटा ये ऊपर रहा है, नहीं तो इससे पहले ये जीरो पे आ जाता था और गाड़ी बंद हो जाती थी। तो इसका वाल जब भी किसी भी बाइक हो, चाहे फोर स्ट्रोक जितने भी बाइक होती जिसमें भी टैपिट होता है, उसका अगर वाल टाइट हो जाती है, अगर कंप्रेसर लूज हो जाती है, तो गाड़ी का रेस कभी भी नहीं रुकेगी और रेस छोड़ते ही बंद हो जाएगी।